पोल्यूशन। नाउ वी हैव सीन एयर पोल्यूशन किससे होता है एंड व्हाट आर द बेसिक इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, देन हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देर आर वेरियस वेज जिससे हम लोग एयर पोल्यूशन में आने वाले इन गैसेस को या पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स को फ्रॉम द व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज वी कैन रिड्यूस दिस एमिशंस। One of the method is by using electrostatic precipitator. Okay, it is like a machine जिसमें से electric current जाएगा तो particles जो भी है हवा में वो charge होने की वजह से they will get attracted and settle down. It is a very widely used method for removing the particulate matter जैसे सूद होता है या dust जो industrial exhaust में से निकलता है तो उन exhaust regions के यहाँ पर यह machine fit किया जाता है ताकि हवा जो निकलेगी वो filter out होकर बाहर निकलेगी। इट कैन रिमूव 99% ऑफ द पर्टिकुलेट मैटर एंड स्पेशली थर्मल पावर प्लांट्स में इसको यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर दिखाया भी है। यू कैन सी द गैशियस स्ट्रीम जिसमें पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से पास होते हैं। दे आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड इन दिस मेटल ग्रिड। देन पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टर प्लेट्स होती है तो जब वो पार्टिकल्स यहाँ से गुजरते हैं तो स्मोक पार्टिकल्स गेट अट्रैक्टेड towards this positively charged plates and then they settle down. तो अभी जो गैस यहाँ से आगे बढ़ेगी वो क्लीन है, ठीक है। इन दिस मेथड हाई वोल्टेज करंट अप्लाई किया जाता है एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस जिससे आयोनाइजेशन ऑफ द एयर होता है इन द स्मोक स्टैक मतलब इन द चिमनी। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन द आयोनाइज्ड एयर नाउ गेट अट्रैक्टेड टू द डस्ट पार्टिकल्स। Then these negatively charged particles now move towards a positive electrode जो मैंने यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ से जब गुजरते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो पार्टिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन सेटल होंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा एंड देन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और सेटल हो जाएगा। दीज पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाई वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड कलेक्टेड इन द रिजर्वायर। तो इस पर जब सेटल हो जाते हैं वो वाइब्रेट होते हैं फिर नीचे सेटल होते हैं फिर सेटल होने के बाद इस चेंबर से निकाले जाते हैं। तो इस तरह से एयर फिल्टर हो जाता है। Then they have asked to find out the information about carbon footprint. What do you mean by this? And think about the measures to reduce your own carbon footprint. So talking about this carbon footprint, basically the amount of the different ways that you can think about removing your carbon footprint is reducing the pollution, okay, recycling many things. तो चीज़ें कम जलेंगी तो कम अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज होएगा। ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट। कितना कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह यू आर रिलीजिंग इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटीज। सो वन इज कि द मोस्ट इफेक्टिव वे इज वी हैव टू जस्ट इट इज व्हाट यू कैन सी रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट रिसोर्सेज अगर यूज करते हैं एंड अगर हम लोग वी ऑल्सो कैलकुलेट कितना कार्बन रिलीज हो रहा है नॉट इन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड अकॉर्डिंगली हम लोग ऐसे कुछ जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी पढ़ा आगे और भी कुछ मशीनरीज पढ़ेंगे ऐसे कुछ चीज़ें यूज करते हैं डिवाइसेज यूज करते हैं जिससे पोल्यूशन कम रिलीज होएगा इन द एटमोसफियर। Then we can basically think about walking around or taking cycles instead of using cars. Then car pooling is another concept or using public transport rather than having individual cars. So this again air pollution carbon dioxide or carbon monoxide that is released in the air is reduced. Then renewable resources of energy, हम लोग hydropower पे चलने वाली गाड़ियाँ या electric cars will be again a better option. घरों से निकलने के घरों से निकलने वाला धुआं स्पेशली रूरल एरियाज में वैन यू बर्न वुड एंड अदर काउडन केक्स फॉर कुकिंग तो दैट शुड नॉट बी डन अगेन। वहाँ पे वी कैन थिंक अबाउट बायोगैस प्लांट्स एज अ कुकिंग रिसोर्स। देन नेक्स्ट टू दैट इज न्यू प्रोडक्ट्स का परचेसिंग कम कर दो एंड ट्राई टू रीयूज रिसाइकल द थिंग्स। तो naturally less plants will be cut down, the forest will be less devastated, so more plants will be there, the CO2 ka level balanced rahega atmosphere mein
तो रॉ मटेरियल कम लगेगा ना इंडस्ट्रीज को, क्योंकि यू आर रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स. तो नेक्स्ट टू दैट इज कीपिंग योर इक्विपमेंट्स वेल मेंटेन, उससे भी कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाता है. जो भी मशीनरीज है अगर वो जितनी पुरानी हो जाती है एंड नॉट सो वेल मेंटेन रहती है, तो दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ फ्यूल एंड उससे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट निकलता है उसमें से. देन नेक्स्ट टू दैट इज यू कैन स्विच ऑफ द लाइट बल्ब्स नॉट रिक्वायर, ओके, बिकॉज दैट इज ऑल्सो कंज्यूमिंग एनर्जी ना, एंड हाइड्रो पावर से उतना एनर्जी जनरेट करना पड़ता है, उतना पोल्यूशन भी होता है उधर से. देन ये सब छोटी छोटी चीज़ें करने से है ना, यू कैन सी टू इट दैट द कार्बन फुटप्रिंट इज रिड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, बिकॉज ईच एवरी इंडिविजुअल डज द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, इट विल टुगेदर गिव अ वेरी लार्ज और बिगर इफेक्ट. ओके, देन अगेन वाटर कंजर्वेशन से भी ये हो सकता है, लाइक हम लोग फॉसेट्स को कम लो पे रखते हैं पानी के, एंड वी आर ट्राइंग टू use less water, consume less water. तो अगेन वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ इको फ्रेंडली थिंग्स जैसे मैं बोलती हूँ. तो एंड नेक्स्ट इज वी कंपोस्ट द वेस्ट. वेस्ट को भी खुले में छोड़ने से बहुत सारी गैसेज रिलीज हो रही है, या उसको जलाने से अगेन कार्बन वगैरह रिलीज होता है. तो हम लोग अगर उसको रिसाइकल करते हैं अच्छी तरह से, उस वेस्ट को कंपोस्टिंग करते हैं, अगेन कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा. सोलार पैनल्स इंस्टॉल करते हैं तो उससे भी हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज द नेक्स्ट मशीनरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर? तो अगेन यहाँ पे वो एयर को क्लीन करेगा, डस्ट और गैसेस दोनों को निकाल देगा. इस स्क्रबर के अंदर ड्राई और वेट पैकिंग मटीरियल होता है. जो वेट है वो गैसेस को सेटल करेगा एंड द ड्राई वन विल टेक अवे द सॉलिड पार्टिकल्स. ओके, तो सी ओ सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को निकालने के लिए यूजफुल है. देन द गैसेस इन द स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू स्प्रे ऑफ वाटर. तो वाटर स्प्रे जब होता है तो वाटर स्प्रे लाइन यूज होता है यहाँ पे. तो वाटर स्प्रे जब होता है तो जो गैसेस है उस वाटर के साथ डिजॉल्व होकर लिक्विड फॉर्म में सेटल हो जाती है. सो यू कैन सी देयर इज अ बॉयलर, द फ्यूम्स आर देयर एंड देन इट लिक्विड कम्स फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ फ्यूम्स एंड देन इट इज स्प्रेड इन दिस चेंबर. तो फ्यूल विद गैस, सपोज यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की गैस पास हो रहा है, तो ये जो स्प्रेयर्स हैं तो बॉयलर्स में से गैस इन्वॉल्व होकर निकल रही है एंड यहाँ पे ये टैंक में स्प्रेयर्स है. तो ये स्प्रे करेगा लिक्विड, तो ये गैस उसके साथ मिक्स होगी और सेटल हो जाएगी यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ओनली, एंड ऊपर जो गैस जाएगी वो क्लीन रहेगी. तो दिस इज़ हाउ अ स्क्रबर वर्क्स. ओके, देन अनदर थिंग दैट दे हैव गिवन एंड ऑल्सो वन थिंग टू मेंशन ओवर योर इन दिस स्क्रबर, यू कैन सी ये जो यहाँ पे दिया है दैट इज CaSO3 2H2O, दैट इज नथिंग बट कैल्शियम सल्फाइड यूज होता है, बनता है. ओके, एंड वो सेटल हो सकता है बिकॉज डिफरेंट गैसेज यहाँ पे जा रही है, रिएक्ट होकर नीचे भी है. देन ये CaO+H2O, इससे स्लेट लाइन बनेगा. ओके, देन नेक्स्ट टू दैट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट is the catalytic converter. So talking about the catalytic converters, now this is another equipment which can be used to reduce the air pollution. Motor vehicles में हम लोग catalytic converter बिठा सकते हैं जो unleaded petrol के लिए use हो सकता है. Because लेड पेट्रोल जो होता है, लेड वाला पेट्रोल अगर हम वो यूज़ करेंगे अलॉन्ग विद द कैटालिटिक कन्वर्टर तो वो कैटलिस्ट को इनएक्टिवेट कर देगा. ओके, नाउ तो गाड़ियों में अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करना अगर हमने कैटालिटिक कन्वर्टर बिठाया, तो कैटालिटिक कन्वर्टर अगेन विल हेल्प टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. हाउ? यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि
ये जो एग्जॉस्ट गैसेस गाड़ियों से निकलती है, ओके, दिस विल वंस बिफोर डायरेक्टली गोइंग आउट इन टू द एटमोसफियर, वो कैटलिटिक कन्वर्टर के थ्रू पास होंगी. ओके, व्हेन दे आर पासिंग थ्रू द कैटलिटिक कन्वर्टर, उसके प्रोडक्शन ब्लॉक के अंदर जब वो जाएंगी, तो वहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रहेंगे जो उसके साथ रिएक्ट करेंगे, फॉर्मिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो नाउ अगेन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो बनेंगे, दीज आर नेचुरल गैस एयर कॉम्पोनेंट्स. देन द एग्जॉस्ट गैसेस देन विल एंटर द ऑक्सीडेशन ब्लॉक ऑफ द कैटेलिटिक. पहले रिडक्शन ब्लॉक में एंटर किया, देन ऑक्सीडेशन ब्लॉक ऑफ द कैटेलिटिक कन्वर्टर, वेयर हाइड्रोकार्बन्स एंड द न्यूली फॉर्म्ड ऑक्सीजन विल रिएक्ट. तो उससे क्या बनेगा, अभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. ओके, नाउ द थर्ड पार्ट इज द एग्जॉस्ट दैट नाउ एग्जिस्ट द कन्वर्टर इज लेस हार्मफुल. फाइन, तो ये एंटर करते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उसके अंदर एंटर कर गए, फिर उससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बना, फिर फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड बना, और फिर बाहर निकलते वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन जो या वाटर वेपर्स जो भी बाहर निकलेंगे, दे आर नेचुरली लेस हार्मफुल कंपेयर टू द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्योर हाइड्रोकार्बन्स. तो इस तरह से कैटेलिटिक कन्वर्टर के अंदर वो कैटलिस्ट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट द रिडक्शन एंड द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, एंड उसकी वजह से कन्वर्जन्स पॉसिबल होते हैं एंड द हार्मफुल गैसेस आर कन्वर्टेड इंटू हार्मलेस गैसेस. ठीक है, देन वॉट यू कैन सी इज फॉर कंट्रोलिंग द वहीक्यूलर एयर पोल्यूशन, व्हीकल से होने वाले एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक केस स्टडी ऑफ दिल्ली दिया है. इन द ईयर 1990 दिल्ली रैंक्ड फोर्थ अमॉन्ग द 41 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया भर के पोल्यूटेड सिटीज में से दिल्ली वॉज द फोर्थ. ओके, एंड इन रेस्पॉन्स टू द PIL दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. वॉट डू यू मीन बाई लिटिगेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन. ओके, तो पब्लिक के लिए जो भी अच्छा है वो उस इन दैट रिलेशन वी नीड टू टेक लीगल एक्शंस. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी दिल्ली गवर्नमेंट को प्रॉपर एक्शन लेने के लिए बोल दिया था बिकॉज दिल्ली वॉज हाईली पोल्यूटेड. ओके, तो इन रेस्पॉन्स टू दिस सेवरल मेजर्स वेयर टेकन बाय द दिल्ली गवर्नमेंट. बाय 2002 सभी सिटीजेस को उन्होंने CNG पे रन कर रहे थे, मतलब इंस्टेड ऑफ पेट्रोल नाउ दे वेर रन ऑन CNG, दैट इज कंप्रेस नेचुरल गैस. तो अगेन लेस पोल्यूशन. CNG के फायदा क्या है ओवर द अदर फ्यूल्स की इकोनॉमिक है, सस्ता है, एफिशेंटली बर्न होता है एंड इसमें अडल्ट्रेशन नहीं हो सकता. देन अकॉर्डिंग टू द न्यू फ्यूल पॉलिसीज नॉर्म्स आर सेट. नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेट. ओके, स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उन्होंने टू रिड्यूस द सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट्स फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल. देन अनदर प्रोविजन जो उन्होंने किया है इज इंजिन्स को अपग्रेड कर दिया है. इंस्टेड ऑफ टू स्ट्रोक इंजिन दे यूज फोर स्ट्रोक इंजिन्स. ओके, देन भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स दीज आर सेट. ओके, तो फॉर आवर कंट्री, ओके, उन्होंने गैस ये एमिशंस कितने होने चाहिए, कितने क्वांटिटी के होने चाहिए फ्रॉम द व्हीकल्स, उसका एक स्टैंडर्ड सेट किया है. दीज स्टैंडर्ड्स आर इक्विवेलेंट टू द यूरोपियन नॉर्म्स. ओके, एंड दे आर ऑल्सो दे आर इवॉल्व ऑन अ सिमिलर लाइन्स. मतलब जो जिस तरीके से उन्होंने फ्रेम अप किया है उसी तरीके से यहाँ पे इंडिया में फ्रेम अप किया गया है नॉर्म्स को. दे आर एंड पहले तो भारत स्टेज टू बनाया गया. ओके, फिर वो धीरे धीरे अपग्रेड होते होते नाउ इट इज BS4 दैट इज भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, सॉरी 6. देन ये कन्वर्जन हुआ है, मतलब धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन होते गए, अमेंडमेंट्स होते गए, चेंजेस होते गए फॉर बेटरमेंट फ्रॉम 2001 टू टिल 2017. नाउ ये जो नॉर्म्स है दैट हैव चेंज्ड, ये उन्होंने एक फिगर में यहाँ पे दिए हैं चार्ट में. दिस चार्ट 15.7 शोज अस द नॉर्म्स. ओके, यू कैन सी भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स इन सिटीज ऑफ इंडिया. फोर व्हीलर के लिए स्टेज टू की जो रूल्स है वो अप्लाई होते हैं इन ऑल द मेट्रो सिटीजेस. अगेन फॉर फोर व्हीलर स्टेज थ्री कर एक सेट ऑफ रूल्स है वो अप्लाई होता है. दिस इज थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010. देन फोर व्हीलर्स के लिए अगेन स्टेज फोर एक्ट भी इम्प्लीमेंटेड है 13 स्पेशल सिटीज में, मेगा सिटीज में, बड़े सिटीज में, दिल्ली एंड देन यू कैन सी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ, सोलापुर सिंस अप्रैल 2010. ओके, देन
टू व्हीलर्स के लिए भारत स्टेज 3 है एंड उस ये अगेन थ्रू आउट द कंट्री अप्लीकेबल है. एंड थ्री व्हीलर्स लाइक ऑटो रिक्शाज एंड ऑल, उनके लिए भी भारत स्टेज 3 का रूल्स एंड रेगुलेशंस है. अभी उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो तो डिटेल में इट्स नन ऑफ लाइक मैटर ऑफ स्टडी फॉर अस, बट देर आर डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स फॉर फोर व्हीलर्स इन पर्टिकुलर सिटीज और थ्रू आउट द कंट्री. देर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स फॉर टू व्हीलर्स एंड फॉर थ्री व्हीलर्स. ओके, तो अकॉर्डिंगली वो एप्लीकेबल होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है. इफ द नॉर्म्स आर नॉट फॉलोड देर इज फाइन, देर इज इम्प्रिजनमेंट. ओके, देन यहाँ पे उन्होंने डू यू नो में दिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, दैट इज द प्रधानमंत्री क्लीन फ्यूल प्रोग्राम. अकॉर्डिंग टू दिस द फ्यूल्स दैट वी यूज फॉर व्हीकल्स और फॉर इंडस्ट्रीज इट शुड बी लेस पल्यूटिंग. ओके, तो दिस वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 1 May 2016 टू डिस्ट्रीब्यूट 50 million LPG कनेक्शंस टू द वुमेन ऑफ BPL, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज. ओके, तो ऐसी फैमिलीज जो बहुत ही पुअर है, कांट अफोर्ड कुकिंग फ्यूल, तो दे बर्न द वुड एंड दे बर्न द काउ डंग, जिसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है या कचरे को जलाते हैं वो लोग कुकिंग के लिए. तो वो ना हो, एयर पोल्यूशन कम हो जाए, इसलिए उनके लिए उन्होंने एक सब्सिडी के थ्रू 50 million LPG कनेक्शंस दिए. ओके, तो बहुत सारे जिनको फ्री में मिले हैं या फिर एकदम लो अमाउंट में दिए गए हैं. एंड इन मैनी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज चूल्हाज वेर यूज, करेक्ट, जिसमें इनकम्प्लीट कम्बशन होता है वुड या कोल का, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केसेस बहुत ज़्यादा है. तो यूज़ ऑफ LPG की वजह से ये एयर पोल्यूशन अभी कम हो गया है. सो दिस इज़ अ स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट बाय हेल्पिंग द पीपल. सी नाउ जस्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग दिस पुअर पीपल इज नॉट सफिशियंट, यू नीड टू प्रोवाइड देम द रिसोर्सेज. सो दे एक्चुअली प्रोवाइडेड द रिसोर्सेज टू देम. देन दे हैव गिवन, have you noticed that BSV, that is the Bharat Stage Emission Standard 5 is missing. तो यहाँ पर 2, 3, 4 और directly 6, 2, 3 और 6 के बारे में mentioning है. तो 4 भी है, norm 4, 5 is missing. तो 2001 में भारत स्टेज 2 emission norms were set, और ये norms बने थे CNG और LPG vehicles के लिए. It stipulates, मतलब it demands या specifies the recruitment of some part of the agreements, okay, कि emission of sulfur should be controlled at 50 parts per million in diesel and 150 parts per million in petrol, मतलब diesel से इतना ही sulfur निकलना चाहिए और petrol से इतना ही sulfur निकलना चाहिए. This was the rule. Aromatic hydrocarbons should be just 40% in concerned fuels, मतलब इन fuel से aromatic hydrocarbons से 42% निकलना चाहिए. The aim was basically to reduce the sulfur emission from petrol and diesel along with the aromatic hydrocarbons according to the norm 6, okay. तो उन्होंने उसको और रिड्यूस कर दिया, मतलब पहले डीजल के लिए 50 था और पेट्रोल के लिए 150, बाद में उसको दोनों के लिए 50 ही कर दिया. और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पहले के रूल से हिसाब से 42% अलाउड था, फिर 35% कर दिया. तो ये BSV 2 में इट वॉज दिस पार्ट 50 and 150 and 42, देर एज BS दैट इज भारत स्टेज ऑफ एमिशन स्टैंडर्ड्स 6 में उन्होंने उसको और भी रिड्यूस पुल डाउन कर दिया. एंड दिस वॉज डन इन 2018. तो बीच में दे स्किप्ड द फिफ्थ सेक्शन. देन ये इन एफर्ट्स की वजह से, मतलब इतना स्ट्रिक्ट रूल करने की वजह से क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल्स जो दिल्ली की हवाओं में था वो बहुत ही पुल डाउन हो गया. सो दिस हेल्प्ड अ लॉट टू ब्रिंग डाउन द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली. देन डू यू नो में उन्होंने दिया है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मेजर्स न्यू दिल्ली और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में फिर भी काफ़ी सारा स्मॉग देखा गया, दैट इज़ अ स्मॉग प्लस फॉग का कॉम्बिनेशन बिटवीन 1 to 9 November 2016. ओके, दैट इंडिकेट्स अ हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन. तो एयर पोल्यूशन एट दिस टाइम पीक्ड एट अबाउट पीक्ड ऑन बोथ 2.5 PM एंड 10 PM लेवल्स. ओके, तो दिस इज रिपोर्टेड एज वन ऑफ द वर्स्ट लेवल ऑफ एयर क्वालिटी सिंस 1999, तब से लेके अब तक का ये सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड था. देन नेक्स्ट इज कोल्ड वेदर और स्टैगनेंट विंड्स जो होते हैं उनमें ये स्मोक ज़्यादा जल्दी ट्रैप होता है. दिल्ली में वैसे भी ठंडा है थोड़ा, तो फायर क्रैकर्स जब बर्न होते हैं तो उसमें से सारा स्मोक वहाँ पे से वो वहीं पे रह जाता है.
एंड इवन बर्निंग द क्रॉप स्टबल्स, मतलब बचा कुचा घास आप खेती होने के बाद, या गार्बेज को जलाने से रोड डस्ट छोड़ती है. ओके, तो इसकी वजह से सिटीजन्स को क्या तकलीफ होने लगी इस एयर पोल्यूशन से? तो ब्रेथलेसनेस, चेस्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन, इरिटेशन इन द आईज, अस्थमा, एलर्जीज डेवलप होने लगी. सो एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट टुक सर्टन मेजर्स. उन्होंने क्या किया, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया क्योंकि बच्चों में ये तकलीफें बढ़ने लगी थी. देन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रुकवा दिया, डिमोलिशन वर्क्स को भी रुकवा दिया ताकि धूल मिट्टी हवा में ना उड़े. देन वैक्यूम क्लीनिंग किया रस्तों का. देन द बदरपुर थर्मल पावर प्लांट वॉज टेम्परली क्लोज डाउन ताकि अगेन पॉल्यूशन ना हो. डू यू थिंक इवन मेयर सेटिंग स्टैंडर्ड्स इज नॉट इनफ? मतलब सो खाली रूल्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है. और इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किया, रूल्स बनाए, फिर उसके बाद फिर भी ऐसा स्मॉग हुआ तो उन्होंने बहुत ही और ज़्यादा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर दिया. बट देन सिर्फ उतना करके फ़ायदा नहीं है. दिस इज़ ऑल लाइक तकलीफ होने के बाद तुमने क्या किया. बट देन द बेस्ट थिंग इज़ प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. सेम वे हमको ये पोल्यूशन होने से ही रोकना है, स्टार्टिंग से ही. अभी होने के बाद तो नहीं, बट होने से पहले ही हमको और भी उसको रिड्यूस करना है. तो इसके लिए वी हैव टू सी दैट वी एनकरेज थिंग्स लाइक कार पुलिंग कंसेप्ट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा होना चाहिए ताकि मिनिमम फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो और एयर पोल्यूशन अपने लिमिट में रहे. देन दे हैव आस्क्ड यू कि कैन यू टेल मी डिस्क्राइब एनी टू पार्टिकुलेट एंड गैशियस पोल्यूटेंट्स. तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं गैशियस पोल्यूटेंट्स में डिफरेंट गैसेस के नाम लिख सकते हो, और पार्टिकुलेट में तुम लोग लिक्विड या सॉलिड एरोसोल्स के बारे में लिख सकते हो. देन वेरियस टेक्नोलॉजीज जो हवा में से पार्टिकुलेट मैटर को निकालने में यूज़ करती है, तो स्क्रबर्स, कैटलिटिक कन्वर्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, उसमें से कोई भी दो लिख सकते हो. व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन ह्यूमन हेल्थ? नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज रिलेटेड टू नॉइस पोल्यूशन, तो वो हम लोग उसमें पढ़ लेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स. बट जनरली स्पीकिंग कि नॉइस पोल्यूशन से इरिटेशन होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है, लैक ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स फेस होती है, एंड हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है. सो नॉइस पोल्यूशन अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ इन वेरियस वेज. देन गिव एनी नॉर्म्स फॉर रिड्यूसिंग सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. तो नॉर्म्स उन्होंने बता दिए हैं कि पेट्रोल और डीजल में से सल्फर शुड बी ओनली 50 पार्ट्स पर मिलियन अकॉर्डिंग टू द न्यू रीसेंट नॉर्म्स, एंड एरोमेटिक कंटेंट शुड बी लेस देन 35%. ओके,